तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज कॉन्सेप्ट। तो आज हम गेम्स एंड ट्वेलाइट स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे अनीता देसाई ने लिखी है। मैं इस स्टोरी को पूरा अच्छे तरीके से कवर करते हुए एकदम शॉर्ट में समझा दूंगी। तो स्टोरी को शुरू करने के पहले उसमें जान लेते हैं कौन कौन है। तो उसमें एक रवि नाम का बच्चा रहता है, जो कि सबसे छोटा रहता है उसमें, और मतलब रघु से छोटा रहता है। रघु और मीरा भी उस स्टोरी में रहते हैं, जो कि कजन्स ही होते हैं आपस में, वो सब एक ही फैमिली के रहते हैं। और इस स्टोरी में ये बच्चे, सारे बच्चे हाइड एंड सीक गेम को खेल रहे होते हैं, मतलब छुपल छुपाई खेल रहे होते हैं। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। गर्मियों का माहौल रहता है, शाम का समय, बच्चे अपनी मम्मी से बोलते हैं कि हमें बाहर जाकर खेलने दो। मम्मी बोलती हैं कि ठीक है, मगर तुम अपने बरामदे में ही खेलो। फिर बच्चे सोचते हैं कि हाइड एंड सीक यानी छुपल छुपाई खेलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले कौन सबको ढूंढेगा। स्टोरी में रवि, रघु और मीरा भी होते हैं, जैसे मैंने बताया। रवि रघु से छोटा होता है, कज़न होता है। रघु उन सब में बड़ा रहता है और खेल कूद में भी आगे रहता है सारी चीज़ों में, इसलिए रवि उससे थोड़ा चढ़ा करता है, पर उससे प्यार भी करता है। वो सोचता है कि वो भी, मतलब वो भी उस जैसे सारी चीज़ें वो करे, और मतलब उसको भी अच्छा लगता है कि उसको भी सब लोग माने और मतलब उसका भी सब सम्मान करें। फिर मीरा, जो कि काफ़ी समझदार बच्ची रहती है, वो बोलती है रघु सबसे पहले ढूंढेगा सारे बच्चों को। फिर सब छुप जाते हैं और रघु सबसे पहले मनु नाम के बच्चे को ढूंढ लेता है। जैसे ही मनु पकड़ा जाता है, रवि सोचता है अपनी जगह बदलने को, कि कहीं मैं भी तुरंत ना पकड़ा जाऊँ। वह गैराज में छुपा रहता है और फिर वो अपनी जगह बदल कर उसी के बगल में और उसी शेड में जाकर छुप जाता है, जो कि बहुत पुराना था। सारी टूटी फूटी चीज़ें थी वहाँ पे, और वहाँ यहाँ तक कि वहाँ पर रोशनी की एक किरण भी नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। रवि सोच रहा था कि अगर मैं ये जीत जाऊँगा तो सब उसे भी रघु के जैसे मानने लगेंगे, लेकिन उसे उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसे कोई कीड़ा मकोड़ा ना काट ले, पर फिर भी जीतने के लिए वो वहाँ से नहीं निकला। फिर कुछ देर बाद रघु ने शेड के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा, जिसे सुनकर रवि को अच्छा लगता है कि रघु उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। पर कुछ देर बाद उसे उसकी गर्दन पर कुछ, और वो देखता है तो एक स्पाइडर रहती है। फिर उसे वो कुछ कुछ देखता है, देखने लगता है, और काफ़ी मतलब वो कुछ देर बाद उसे सब कुछ दिखने लगता है उस कमरे में, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसी कमरे में था। तो कुछ देर बाद उसको दिखने लगता है सब कुछ, और कमरे में रहने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक बाथ टब भी है, बाथ टब रखा हुआ था, और सोचता है कि मैं इसी में जाकर बैठ जाता हूँ। और जाकर बैठ जाता है, फिर वो मतलब सोचने लगता है कि बाहर सब पकड़े जा रहे होंगे कि नहीं पकड़े जा रहे होंगे, और फिर मैं जीत जाऊँगा, यही सब सोचने लगता है। पर सोचते सोचते वो ये भी सोचने लगता है कि कहीं गेम ख़त्म तो नहीं हो गया होगा। पर फिर सोचता है कि मेरे बिना कैसे ख़त्म हो जाएगा, अभी तो मैं पकड़ा ही नहीं गया। और सोचता है जीतने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा। पर कुछ देर बाद वो रोते हुए वहाँ से निकलता है, मतलब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, और देखता है कि सारे बच्चे कोई और गेम खेलने लगे हैं, मतलब वो रवि को भूल ही जाते हैं एक तरीके से। और फिर उसकी मम्मी उसको मतलब चुप करवाती है, और सारे बच्चे उसको देखने लगते हैं, और रघु कहता है कि कितने पागल हो तुम, रोना बंद करो। फिर मीरा कहती है आओ हमारे साथ आखिरी लाइन में लग जाओ और खेलने लगो। वो दूसरा नया गेम खेलने लगे थे। फिर रवि कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खेलूँगा, और नीचे बैठ जाता है, मतलब एक तरीके से वो लेट ही जाता है नीचे, और ऐसा लगता है कि वो अब नहीं खेलना चाहता है कुछ भी। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मतलब वो बहुत उदास हो गया होता है कि सारे बच्चे उसको भूल ही गए होते हैं, तो वो बहुत अंदर से अजीब सा फील कर रहा होता है, इसलिए वो कुछ नहीं खेलना चाहता है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। मैंने बहुत कम टाइम में अच्छे से स्टोरी समझाने की कोशिश की है, सब कुछ कवर करते हुए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू।